प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पेट्रोलियम परिवहन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने एथेनॉल को 21वीं सदी के भारत की प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही पीएम ने भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को साल 2025 तक 20% करने का ऐलान किया है। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों के किसानों से एथेनॉल पर बात भी की। 7-8 साल पहले देश में इथेनॉल की चर्चा बहुत कम, रेयरली कभी होती थी, कोई उसका जिक्र ही नहीं करता था, और अगर जिक्र कर भी दिया तो जैसे एक रूटीन कोई बात होती है, ऐसे ही हो जाता था। लेकिन अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर और बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। अब आइए जानते हैं कि जिस इथेनॉल को पीएम मोदी ने 21वीं सदी के भारत की प्राथमिकता बताया है वो आखिर क्या है और इससे आम आदमी और किसानों तक को क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है इथेनॉल। एथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका उत्पादन वैसे तो गन्ने से होता है, मगर इस एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल से आम आदमी को भी बड़ा फायदा होगा। अब एथेनॉल मिलाने से क्या फायदा है? पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल के उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इसके इस्तेमाल से गाड़ियाँ 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन भी एथेनॉल कम करता है। एथेनॉल में मौजूद 35% ऑक्सीजन के चलते ये फ्यूल नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम करता है। अब सवाल ये कि आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? एथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम गर्म होती है। एथेनॉल में अल्कोहल जल्दी उड़ जाता है जिसके चलते इंजन जल्द गर्म नहीं होता। इसके अलावा ये कच्चे तेल के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ेगा, इससे भी महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। अब अंतिम में किसानों को इससे क्या फायदा होगा? एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि एथेनॉल गन्ने, मक्का और कई दूसरी फसलों से बनाया जाता है। चीनी मिलों को कमाई का एक नया जरिया मिलेगा और कमाई बढ़ेगी। एथेनॉल से किसानों को 21,000 करोड़ रुपए का फायदा अब तक हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।